हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा वीवो Y200e 5G फ़ोन है, तो वीवो Y200e 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर आप कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में अपनी मैसेज सेंडिंग की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। अगर आपके फ़ोन में मैसेज वगैरह आप करते हैं अपने फ़ोन से, पर मैसेज वगैरह आपके फ़ोन से नहीं जा रहा है और पैचेस आप नहीं भेज पा रहे हैं, तो आप कैसे मैसेज नोट सेंड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अपने वीवो Y200e 5G फ़ोन की सेटिंग्स पर जाकर। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि मैसेज सेंडिंग की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे कर सकते हैं वीवो Y200e 5G फ़ोन में, और मैसेज की सेंडिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे कर सकते हैं वीवो फ़ोन में, तो आज हम बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाला आइकन ओपन हो जाएंगे, जिसमें से आपको जाना होगा सेटिंग्स पे, और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो मैसेज सेंडिंग की प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो सिंपली सेटिंग्स से ओपन कर लिया हमने, तो इसमें से आपको ऐप सेटिंग्स पे जाना होगा। तो ऐप सेटिंग्स आपके फ़ोन में आ जाएगी, जिसका आप यूज़ करके मैसेज सेंडिंग की प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं और मैसेज नोट सेंड प्रॉब्लम को भी ठीक कर सकते हैं। सिंपली जैसे सेटिंग शो हो रही, तो श्री ऑल ऐप्स को ओपन कर लेना है, जहाँ से मैसेज आइकन्स पे आपको चले जाना है। तो जो भी आपके फ़ोन का मैसेज आइकन्स है, इस पर टैप करना होगा। जैसे स्लाइड करते हुए आप जाते हैं मैसेज, तो मैसेज पे जाकर यहाँ पर डाटा आपको क्लियर करना होगा मैसेज का। तो मैसेज आइकन्स का डाटा आपने क्लियर कर दिया, और क्लियर करते ही आपको बैक करना है। बैक करते ही नोटिफिकेशन परमिशन है अलाउ कर देनी, जैसे ऑफ है तो ऑन कर देनी, जिससे आपकी मैसेज नो सेंडिंग प्रॉब्लम है आपके फ़ोन में सॉल्व हो जाएगी और मैसेज वगैरह आपके फ़ोन से जाने लगेगा। तो इस तरीके से भी मैसेज सेंडिंग की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें।